नमस्कार, मैं हूं शना। आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। नए तरीके से बालू की तस्करी का प्रयास, 6 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट आरटीआई एक्टिविटीज एसोसिएशन डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता ने इसके ऐतिहासिक पक्ष को विस्तार पूर्वक समझाया। आरटीआई के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेमिनार सह प्रशिक्षण शिविर। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय टीवीएस पीएसजे। आरटीआई के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थानी धर्मशाला कतरास हटिया कतरास के प्रांगण में आरटीआई सेमिनार सह प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम संपन्न हुआ। दीप प्रज्वल के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बियाडा के पूर्व चेयरमैन तथा सुप्रसिद्ध समाज सेवी विजय झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अन्य प्रमुख अतिथियों में श्री कृष्ण बिहारी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हजारीबाग के सुप्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के पश्चिम बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट, प्रसिद्ध शिक्षाविद सह मानवाधिकार विनय ने, नेशनल लीगल सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, अधिवक्ता रामपुनीत सिंह, पत्रकार उत्तम मुखर्जी, जागो संस्था के राकेश रंजन उर्फ चुन्ना यादव, गौतम मंडल, विनय सिंह, डॉक्टर सुभाष गायली, डॉक्टर विकास रमन, आनंद खंडेवाल, विक्रम डे, आदर्श सिन्हा, ग्राम स्वराज के जगत महतो एवं आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वैरायटीज ऑफ लेडीज वियर, मेंस वियर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, जीडी रोड, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 0341-222-1590। रेनबो बिग शॉप। आरटीआई कानून ने कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल के सलाखों तक पहुंचाया। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। राजेश मिश्रा ने बताया कि इस कानून ने कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल के सलाखों तक पहुंचाया है। भ्रष्टाचार उजागर करने के दौरान कई आरटीआई कार्यकर्ताओं को झूठे केस व मुकदमे में फंसाया गया और कई लोगों की हत्याएं भी हो चुकी है। सरकार के लच्चर रवैये के कारण आरटीआई कार्यकर्ताओं को तरह तरह के मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने इस बात को खुलकर कहा कि राज्य में सूचना के अधिकार कार्यक्रम को पंगु बनाकर रख दिया गया है, क्योंकि सूचना के अधिकार को जिन्हें जमीन पर उतारना है उनकी बहाली ही झारखंड में नहीं की जा रही है। झारखंड राज्य सूचना आयोग के सभी पद पिछले कई वर्षों से रिक्त है। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वियर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से बाजी दरों पर। हाई एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वियर और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल। तो फिर इस बार ईद में छा जाए, इसराइल के कलेक्शन सपना है। इसराइल हाउस ऑफ फैंसी लेडीज़वेयर, बस्तीन बाजार रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट आरटीआई एक्टिविटीज
एसोसिएशन डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता ने इसके ऐतिहासिक पक्ष को विस्तार पूर्वक समझाया। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। पश्चिम बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता ने इसके ऐतिहासिक पक्ष को विस्तार पूर्वक समझाया, एक एक पॉइंट देकर बताया कि कैसे सूचना का अधिकार नियम जारी हुआ है और आज यह कैसे इस देश में एक नई क्रांति को लेकर आता है। डॉक्टर दत्ता ने RTI एक्ट 2005 के 31 सेक्शन 2 शेड्यूल और 6 चैप्टर के साथ साथ RTI रूल 2022 एवं RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर विस्तार से चर्चा की तथा अपने ओजस्वी पूर्ण भाषण में सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ साथ वर्तमान में सूचना के अधिकार अधिनियम की दुखद स्थिति की भी विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर दत्ता ने यह भी बताया कि हमारे देश की सबसे विकट समस्या यह है कि कानून तो बना दिए जाते हैं परंतु इनके अनुपालन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। डॉक्टर दत्ता ने अपने 17 वर्षों के RTI के अनुभव को साझा किया। डॉक्टर दत्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रतिलिपियां सभा में उपस्थित लोगों को अपनी ओर से भेंट के रूप में प्रदान की तथा RTI से संबंधित न्यूज लेटर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Unlimited Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आइए सुनते हैं श्री चंद्रशेखर दत्ता क्या कहते हैं। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। कृपया इस वीडियो पर ध्यान दें। शांति नहीं तब तक जब तक सुभाग नगर का सब हो, नहीं किसी को बहुत तरीक हो, नहीं किसी को या यहीं से हमारा सुभाग कि भाई क्यों समाज में ऐसी समस्या को ही तो रहने के लिए हम लड़ रहे हैं। और RTI आज जो हमारे सामने है वह किस रूप में है, कैसी आई है, उससे संबंधित हम आपको कुछ तथ्य बताएंगे। सबसे पहली बात, नागरिकों के सूचना के अधिकार के प्रति पहली राजनीतिक प्रतिबद्धता 1977 में लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर 1975 से 1977 के आंतरिक आपातकाल के दौरान सूचना के दमन और गृह मंत्रालय, वित्त और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल, जो अधिकारी
मजदूर किसान शक्ति संगठन आंदोलन राजस्थान, श्रीमती यमुना राय, निखिल दे और मिस्टर शंकर सिंह, मई 1990। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए बस्तन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टेक्ट नंबर 8509608588। देश की मौजूदा स्थिति के बारे में बड़े ही दुखद पक्ष को सामने रखा। बियाडा के पूर्व चेयरमैन विजय झा ने पहले आरटीआई एक्टिविटीज की सराहना की, फिर देश की मौजूदा स्थिति के बारे में बड़ा ही दुखद पक्ष को सामने रखा। उन्होंने बताया कि देश के कितने बच्चों को आज दूध तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मामलों की सत्यता आरटीआई के द्वारा ही उजागर हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी ऐसे कई कानूनों की ज़रूरत है जो जनमानस के लिए आवश्यक है, जिससे जिम्मेदारी तय की जा सके। उन्होंने कहा कि देश में कई कानून बने, पर कानून का फ़ायदा तभी समाज को मिलता है जब समाज में रहने वाले लोग उस कानून की बारीकियों को समझते हुए उनका इस्तेमाल करें और लाभ लेने की कोशिश करें। करीब करीब सारे वक्ताओं ने इस बात पर सहमति दी कि सूचना के अधिकार आने से देश में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारे। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आरटीआई आवेदन लिखने के प्रारूप पर विस्तार चर्चा। झारखंड की राजधानी रांची में आए वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्ण बिहारी मिश्रा साहब ने आरटीआई की वर्तमान में सार्थकता के साथ साथ आए हुए आरटीआई एक्टिविस्ट का जमकर उत्साह वर्धन किया। भोजन सत्र के पश्चात अरविंद कुमार सिन्हा ने मौजूद लोगों को आरटीआई आवेदन लिखने के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की। प्रशिक्षण के पश्चात ऋतुराज कन्हैया कुमार, शिवराज साव, परशुराम सिंह, उदय लाल महतो, प्रदीप साहू, सुरेंद्र कुमार, उदय लाल महतो, अजय महतो, मनोहर महतो, उमा शंकर कुमार, चंद्रशेखर पासवान, विनय पासवान, चंदन मोदक, शैलेंद्र सिन्हा, राखो हरि पटवा, शिवेश विश्वकर्मा, सरफराज आलम सहित दर्जनों प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। कतरास हटिया, कतरास का राजधानी धर्मशाला बात का गवाह बना कि लोग सूचना के अधिकार के तहत अपनी समस्याओं को हल करने हेतु आरटीआई के रुचि लेने को आतुर हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैट्रिक एंड एचएस अपीयर फ्रॉम बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना, BNM कोचिंग सेंटर, कैंटोन पारा, श्यामबान, परनपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर 9732022768 एंड 9732024247। श्री श्याम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का षष्ठम आयोजन धूमधाम के साथ संपन्न। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में श्री श्याम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का षष्ठम आयोजन रविवार
देर शाम को बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ श्री श्याम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 13 महीना 13 मंदिर 13 दिन बाबा श्याम के नाम का आयोजन पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पधारे श्याम बाबा मंडल के सैकड़ों श्याम भक्तों के द्वारा किया गया। इस दौरान सुगंधित फूलों से बाबा का भव्य श्रृंगार कर मंदिर परिसर को आकर्षक रंग बिरंगा रोशनी से सजाया गया था, जो भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र था। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के भव्य आयोजन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के सदस्य विकास गुप्ता व विवेक बर्नवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि श्री श्याम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 13 महीना 13 मंदिर 13 दिन बाबा श्याम के नाम का गुणगान हम सभी श्याम प्रेमी मिलकर भारतवर्ष के अलग अलग श्री श्याम मंदिरों के साथ ही विदेश के श्याम मंदिर में जाकर बाबा श्याम का गुणगान किया जाएगा। इस दौरान आसनसोल श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष दीपक तोदी ने बर्दवान के समाज सेवी व श्याम प्रेमी दशरथ अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार 56 भोग 5 भोग सवामनी किया गया। इस अवसर पर भजन गायक सत्यम गाड़ोदिया ने गणेश वंदना गाकर कीर्तन प्रारंभ किया। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इश्ता भट्टाचार्य है। ये शाइन अकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये अकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर चाह रहे हैं, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का इस विभाग पर नए तरीके से बालू की तस्करी का प्रयास, 6 गिरफ्तार। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार बालू की तस्करी से पहले पुलिस ने बालू ले जा रहे 10 पहिया वाहन के साथ इस रेत अभियान में शामिल लॉरी चालक खलासी समेत 4 लोगों को बालू के अवैध तस्करी करते पकड़ा। तस्करी में शामिल है। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि रानीगंज थाने के निमचा चौकी क्षेत्र की पुलिस ने IC रंजीत विश्वास के नेतृत्व में निमचा हरभंगा क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। चालक खलासी से पूछे बिना कार को नोटिस करने और कार के चालान की जांच करने के बाद यह स्पष्ट है कि जालसाज मूल चालान की नकल करके डुप्लीकेट चालान बनाकर अवैध रूप से रेत की तस्करी कर रहा है। पुलिस इस घटना का अनुसरण तीरथ हरभंगा से रेत की तस्करी के लिए कर रही है। फर्जी चालान के जरिए बालू की तस्करी के आरोप में इससे जुड़े अजय घोष, जय गोप, सुबोजीत गोप और गौरांग गोप को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बालू तस्करी के आरोप में पुलिस ने चालक गोपीकांत व ओसग्राम नोपाड़ा निवासी बाबू सोना बागड़ी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को सोमवार को आसनसोल जिला न्यायालय भेजा गया। पता चला है कि पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का अनुरोध किया है। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भाजपा ने उम्मीदवार वापस लिया। रतुजा लटके निर्विरोध निर्वाचित BJP ने वापस लिया उम्मीदवार। भाजपा ने मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए महत्वपूर्ण 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की रुतुजा लटके के निर्विरोध चुने जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने 17 अक्टूबर 2022 को कहा कि उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है
और मुरजी पटेल जिन्होंने भाजपा से नामांकन दाखिल किया है अब इसे वापस ले लेंगे। 17 अक्टूबर अंधेरीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, जो इस साल मई में दुबई में शिवसेना के मौजूदा विधायक रमेश लटके की आकस्मिक मृत्यु के कारण जरूरी हो गया था। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी की टक्कर के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे पहले बड़े चुनाव के रूप में देखा गया। बीजेपी ने पहले भी कुछ उपचुनाव नहीं लड़ा था, श्री बावन कुले ने कहा। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830. लखनऊ में छात्रा को ऑटो से अगवा कर ड्राइवर और साथी ने किया रेप, सूर पर दी यातनाएं। लखनऊ शहर में शनिवार को दिल दहला देने वाली रेप की घटना हुई। चिनहट फायर स्टेशन के पास ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही एक छात्रा के साथ ऑटो ड्राइवर और उसके साथी ने दुराचार किया। इससे पहले जब ऑटो में बैठकर ड्राइवर उसे गलत रास्ते पर ले जाने लगा था तो छात्रा ने विरोध किया। इस पर ड्राइवर के साथी ने उसके सिर पर भारी चीज से हमला कर दिया, वह बेहोश हो गई। फिर उसे प्लासियो मॉल के पीछे जंगल में ले जाकर दोनों ने उसके साथ दरिंदगी की। शोर मचाने पर दोनों ने उसके शरीर में कई हिस्सों में जख्म दिए। इसके बाद उसे हुसड़िया चौराहे के पास ऑटो से सड़क पर फेंक कर दोनों भाग गए। रविवार को सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हुई तो अधिकारी हरकत में आए और विभूति खंड कोतवाली में अज्ञात ड्राइवर व उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। यू मस्ट बी बीइंग इनफ टू एडमिट योर मिस्टेक, स्मार्ट इनफ टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्ट्रांग इनफ टू करेक्ट देम। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए काफ़ी बड़ा होना चाहिए, उनसे सीखने के लिए पर्याप्त स्मार्ट और उन्हें सुधारने के लिए पर्याप्त मजबूत होना। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।